दोस्तों, भारत की शान कहलाने वाले इसरो की काबिलियत क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका की नासा, चीन की CNSA, जापान की जैक्सा और रॉसकॉस्मोस, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी जैसी स्पेस एजेंसियां हमेशा यही जानने की कोशिश में रहती हैं, इसरो क्या कर रहा है। कहीं इसरो कुछ ऐसा तो नहीं कर दे रहा जिससे वो पिछड़ते नजर आए। कुछ ऐसा ही अब भारत ने किया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है कि सभी देशों की स्पेस एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों की हमेशा से यही मंशा रही है कि इसरो हमेशा उनकी तकनीक पर भी डिपेंड रहे और वो उनसे ही तकनीक खरीदने पर मजबूर रहे, जिसे वो ऊंचे दामों में बेचकर मुनाफा पाने का सपना देखते आए हैं। लेकिन अब ये सपना टूटता जा रहा है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत अब स्पेस मिशन को लेकर भी आत्मनिर्भर हो रहा है। एक के बाद एक सफल अंतरिक्ष मिशंस के बाद इसरो ने एक सफलता अपने नाम की है। इसरो की जिस सफलता की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। भारत में तैयार किया गया सिस्टम IS-4OM अंतरिक्ष विज्ञान में देश की मदद करेगा। भारत के सेंटर उसके अपने उपग्रहों की रक्षा करेंगे। इसके साथ ही अंतरिक्ष में डेब्रिस यानी अंतरिक्ष कचरे के बारे में पता लगाने और उसे हटाने में मदद करेगा। MOS स्पेस ने इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट का केंद्र भारत को सौंप दिया है। इस सेंटर की शुरुआत से न सिर्फ अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की धमक बढ़ेगी बल्कि इसके साथ ही अपने सैटेलाइट की रक्षा खुद करके ये साबित कर दिया है कि वो किसी भी विकसित देश से कम नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसरो के इस नए सिस्टम की खूबियों से रूबरू कराऊंगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि दूसरे देशों ने इस मामले में क्या क्या कर रखा है। तो इन सब को जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे सिस्टम को जानने से पहले आपको अंतरिक्ष डेब्रिस यानी अंतरिक्ष कचरे के बारे में बता देते हैं जिसके लिए सिस्टम तैयार किया गया है। दोस्तों, अंतरिक्ष मलबे को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आर्टिफिशियल और दूसरा है प्राकृतिक। आर्टिफिशियल मलबे में उन चीजों को शामिल किया गया है जिसका अब स्पेस में कोई इस्तेमाल नहीं बचा है, जैसे कि टूटे हुए और पुराने उपग्रहों या फिर रॉकेट के अवशेष इत्यादि। ये अवशेष पृथ्वी के कक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं और मलबा पैदा करते रहते हैं। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष में तैर रहे सैटेलाइट्स की संख्या हजारों में है। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे सैटेलाइट्स विभिन्न देशों की साइंस, मौसम, कृषि और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जरूरतें पूरी कर रहे हैं। इनमें 53 भारतीय सैटेलाइट्स हैं। इसके साथ ही हजारों की संख्या में ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो अब नष्ट हो चुके हैं और ऑर्बिट में तैर रहे हैं। इनके टकराने से मौजूदा सैटेलाइट्स नष्ट हो सकते हैं। वहीं प्राकृतिक मलबे में उन मलबे को रखा गया है जिसमें सौर मंडल के खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह धूमकेतु और उल्का पिंड यानी कि अंतरिक्ष में एक छोटी चट्टानी शामिल होते हैं। इन्हें प्राकृतिक मलबा कहते हैं। अंतरिक्ष का शारीरिक तौर पर अन्वेषण मानवीय अंतरिक्ष उड़ानों और रोबोटिक अंतरिक्ष यानों द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की कक्षा में भेजे जाने वाले कई मानव निर्मित उपग्रह वहीं नष्ट हो जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पृथ्वी की कक्षा में घूमते रहते हैं। नासा के अनुमान के मुताबिक अंतरिक्ष से रोजाना करीब एक मलबा पृथ्वी पर गिरता है। ये मलबा या तो धरती पर पूरी तरह से पहुंच जाता है या फिर कभी कभी वातावरण में प्रवेश करते समय जल जाता है। इनमें से कुछ ऐसे मलबे पृथ्वी पर स्थित जलीय क्षेत्र में गिरते हैं क्योंकि धरती का करीब 70% हिस्सा पानी का है। पिछले 50 सालों से भी अधिक समय से चल रहे अंतरिक्ष अभियानों में एकत्र मलबे आज भी बड़ी संख्या में अंतरिक्ष में मौजूद है। संयुक्त राज्य स्पेस सर्विलांस नेटवर्क के अनुसार अंतरिक्ष में 10 सेंटीमीटर से बड़े 23,000, 1 सेंटीमीटर से बड़े 5 लाख और 1 मिलीमीटर से बड़े 1 करोड़ अंतरिक्ष मलबे बिखरे पड़े हैं। लगभग 1800 से ज्यादा मानव निर्मित उपग्रह हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन ये उपग्रह अपना काम खत्म करने के बाद पृथ्वी पर वापस नहीं आते हैं और ये उपग्रह अंतरिक्ष केंद्रों से संपर्क टूटने के बाद पृथ्वी के ही चक्कर लगाते रहते हैं और एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। अंतरिक्ष में बिखरा यह कचरा सिर्फ उपग्रहों की कक्षा में ही नहीं बल्कि हमारे वायुमंडल के लिए भी काफी खतरनाक है। अगर कोई बड़ा टुकड़ा पूरी तरह नष्ट हुए बगैर हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाए तो विनाशक प्रभाव पैदा कर सकता है। ये मलबा अंतरिक्ष में मॉलिक्यूलर रिएक्शन के जरिए संचार व्यवस्था को भी बाधित करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त ये मलबा उपग्रहों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और उनके प्रक्षेपण को प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष कचरे की गति लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है जो कि किसी अंतरिक्ष यान को नष्ट करने के लिए काफी है। अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक करने के लिए लिडार यानी रडार और ऑप्टिकल डिटेक्टर का संयोजन इस नाम के उपकरण का निर्माण किया गया है।
नासा ऑर्बिटल डेब्रिस ऑब्जर्वेटरी एंड लिक्विड मिरर ट्रांजिट बायनोक्यूलर नाम के यंत्र का निर्माण किया है जो 3 मीटर तक के आकार वाले अंतरिक्ष मलबे का पता लगा सकता है। इसके साथ ही FM रेडियो तरंगों की मदद से भी अंतरिक्ष में मलबे का पता लगाया जा सकता है। भारत अंतरिक्ष के मलबे को मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार से ट्रैक करता है। श्रीहरिकोटा के पास ये रडार है, अमेरिका के पास ऐसे कई रडार्स हैं और वो इनकी सार्वजनिक सूचना साझा करते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष में फैले रॉकेट्स और उपग्रहों के टुकड़ों को हटाने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिमूव डिब्री नाम के स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था। 100 किलोग्राम वजन वाले इस स्पेसक्राफ्ट का निर्माण एयरबस की सहायक सरे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। ये स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से छोड़ा जाने वाला सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट है। ये यूरोपीय संघ की अनुसंधान परियोजना है जो भविष्य में सक्रिय मलबे को हटाने से संबंधित मिशन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों के परीक्षण में मददगार साबित हो सकता है। वहीं भारत की अगर बात करें दोस्तों, तो अंतरिक्ष पर्यावरण की सुरक्षा और स्थायित्व के लिए IS-4OM प्रणाली का विकास एक समग्र दृष्टिकोण के साथ किया गया है। ये आउटर स्पेस के अधिकतम इस्तेमाल का रास्ता साफ कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देगा। यहाँ अंतरिक्ष के मलबे को मॉनिटर किया जाएगा और ऑर्बिट निर्धारण के साथ ही अंतरिक्ष में फैले मलबे की नई लिस्ट और डेटा का आकलन भी होगा। सैटेलाइट लॉन्चिंग के समय किसी अंतरिक्षीय कचरे से टकराव की आशंका की भविष्यवाणी समय रहते इस सेंटर के जरिए हो सकेगी। यही नहीं, यह अंतरिक्ष में इससे निपटने में भी सक्षम होगा। इससे भारत का अंतरिक्ष संपत्ति की सुरक्षा करने में सक्षम बन सकेगा। दरअसल पिछले 50 साल के अंतरिक्ष इतिहास में पृथ्वी की कक्षा के चारों तरफ घूमने वाली कचरे की एक खतरनाक पट्टी बन गई है। यहां आपको बता दें कि हाल ही में 29 जून को लॉन्च किए गए PSLV-C53 के लॉन्च के दौरान इसी तकनीक से मलबा ट्रैक हुआ था, जिससे होने वाले खतरे को रोकने के लिए बाद में मिशन को 2 मिनट की देरी से प्रक्षेपित किया गया था। इसके अलावा 12 मई 2022 को गुजरात के भालेज, खंबुलज, रामपुरा, चकलसी और सालवी क्षेत्र में 5 मेटल बॉल अंतरिक्ष से गिरी थी। बाद में इसरो टीम वहां पहुंची और जांच में पता चला कि वो करीब 5 किलो वजनी मेटल बॉल चीन के चांगझेंग 3B रॉकेट का हिस्सा था। इसी तरह मेटल के सिलेंडर महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी मिले थे, वो भी चीन के CZ-3B रॉकेट का हिस्सा था। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर ये मलबा किसी बस्ती पर गिर जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में इसरो अब खुद को पूरी तरह सक्षम करेगा ताकि इस तरह की घटना को रोका जा सके और साथ ही देश की सुरक्षा को भी किसी तरह का कोई खतरा ना हो। यहाँ आपको बता दें कि भारत के 217 स्पेस ऑब्जेक्ट धरती की परिक्रमा लगा रहे हैं। इनमें से 103 सक्रिय या निष्क्रिय अंतरिक्ष यान है और 115 वस्तुओं को अंतरिक्ष मलबे की श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही भारत ने बाह्य अंतरिक्ष से इस तरह की वस्तु को घटाने के लिए एक शोध की शुरुआत की है। अमेरिका के सक्रिय और निष्क्रिय 4,144 अंतरिक्ष यान और 5,126 स्पेस ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें धरती की ऑर्बिट में मौजूद अंतरिक्ष मलबे की श्रेणी में रखा गया है। वहीं चीन के ऐसे 517 अंतरिक्ष यान और 3,854 स्पेस ऑब्जेक्ट धरती का चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पीनिया स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क यानी इस ट्रैक में SSA कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। पिछले कुछ दशकों से इसरो अपने उपग्रहों की निगरानी और सुरक्षा करता रहा है, लेकिन अब चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं क्योंकि अंतरिक्ष में मलबा काफी बढ़ गया है और इसीलिए IS-4OM इस दिशा में बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसरो के एक अधिकारी का कहना है कि सेंटर अंतरिक्ष में मलबे का पता लगाने और उसकी निगरानी के लिए अंतरिक्ष जागरूकता कार्यक्रम का हिस्सा है। साथ ही इसके जरिए हमारी अंतरिक्ष संपत्ति की सुरक्षा करने में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और ये कचरा मैनेजमेंट पर संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों के मुताबिक तैयार किया गया है। इस केंद्र को इसरो के इस ट्रैक के नजदीक नेत्र बिल्डिंग में रखा गया है। इसरो का कहना है कि IS-4OM एक ऐसी प्रणाली है जो अंतरिक्ष में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में एक समग्र रुख रखती है और साथ ही बाहरी अंतरिक्ष के सतत उपयोग के फायदे उपलब्ध कराती है।